हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में टीवीएस के 110 सी सेगमेंट में जितने बाइक आते हैं उनके बारे में बात होगी। हालांकि टीवीएस में 100 सी सेगमेंट में और 125 सी सेगमेंट में एक भी बाइक शामिल नहीं है, इसीलिए केवल टीवीएस के 110 सी सेगमेंट के बारे में बात होगी। अगर आप अपाची के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यहां पे जितने भी बाइक BS6 में अपडेट हैं केवल उन्हीं के बारे में बात होगी। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं TVS Sport 110 BS6 की। हालांकि ये पहले 100 सीसी सेगमेंट में आती थी, लेकिन BS6 में अपडेट होते ही ये 110 सीसी सेगमेंट में आ गई है। इसमें आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लू, मर्क्यूरी ग्रे, व्हाइट रेड, व्हाइट पर्पल और वेलकेनो रेड मिल जाता है। इसके डिजाइन की बात करें तो इसे आप फ्रंट से देख सकते हैं, यहाँ पे काफी स्टाइलिश हेडलैम्प मिल जाता है, यहाँ पे आप बॉडी कलर देखने को मिल जाती है। इसके काउल पे TVS का स्टिकर लगाया गया है और इसके हेडलैम्प के दोनों साइड पे हल्की सी ग्राफिक्स की गई है। इसके अलावा उसके फ्रंट फेंडर पे बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। साइड व्यू की बात करें, यहाँ पे TVS का लोगो लगा हुआ है और हल्की सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। साइड पैनल पे ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पीछे वाले बॉडी पर स्पोर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हल्की सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। पीछे ग्रैबरेल जो कि सिल्वर कलर की दी गई है और इसके अलावा व्हील्स को ब्लैक कलर में दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जिसका यह इंजन 7,350 RPM पर 6.1 किलोवाट का पावर जबकि 4,500 RPM पर 8.7 Nm का टॉर्क जन करता है। और इसमें 4 स्पीड द गियरबॉक्स दिया गया है, किक और सेल्फ स्टार्टर दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है, तो कंफर्टेबल के मामले में ये बाइक ठीक ठाक है। टायर और ब्रेक की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूब टायर मिल जाता है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलती तो इसकी प्राइस थोड़ी सी और बढ़ जाती। तो इसके फ्रंट में 130 एमएम का ड्रम ब्रेक और रियर में 110 एमएम का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें सिंक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, इसके हेडलैम्प में हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, इसमें LED DRLs जो कि आपको मिल जाता है, जिसको आप चाहें तो एक स्विच की मदद से इसके DRLs को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें एनालॉग मीटर दिया गया है जिसमें पावर और इंडिकेटर और इकोमी इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अलावा स्पीड फ्यूल ऑडोमीटर की जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर लाइट्स दिए गए हैं, जैसे कि न्यूट्रल लाइट, हेडलैम्प हाई बीम लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट, ऐसे लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंजन मालफंक्शन लाइट, ऐसे कुछ इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग सीट मिल जाती है, ये बाइक किसी भी गियर में स्टार्ट हो जाती है, ये फीचर्स आपको इसमें मिल जाता है। ब्लैक कलर की अलॉय व्हील्स मिली है जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है। तो ये कुछ बेसिक से फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 70 प्लस के MPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है, तो अगर आपको माइलेज के लिए बाइक चाहिए तो इसको आप ले सकते हैं। अच्छे लुक के साथ इसमें माइलेज भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है और इसने माइलेज में काफी सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो 90 KMPH तक इसकी टॉप स्पीड है। डायमेंशन की बात करें तो इसका लेंथ 1950 mm विथ 705 mm, हाइट 1080 mm, व्हील बेस 1236 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm, सीट हाइट 790 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर और इसका कर वेट 110 kg है इसके किक स्टार्ट वेरिएंट का। तो ये बात आती है इसके प्राइस की, तो TVS Sport 110 BS6 का एक्सोरूम दिल्ली का प्राइस इसके किक स्टार्ट वेरिएंट का 54,850 रुपीज यानी कि 54,850 रुपए तक है, तो इसका सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट 61,525 रुपीज यानी कि 61,525 रुपए तक मिल जाती है। तो यह ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 66,000 रुपीज की स्टार्ट वेरिएंट मिल जाता है, तो इसका सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट 73,300 रुपीज तक ऑन रोड मिल सकती है। और इस वीडियो में जितना भी ऑन रोड और एक्सरूम प्राइस जो मैं बताऊंगा वो दिल्ली का होगा। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो हो सकता है वहां पे प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या फिर थोड़ा सा कम हो, तो आप अपने एरिया का एग्जैक्ट प्राइस अपने नजदीकी शोरूम पे जाकर पता कर सकते हैं। इस वीडियो में अगले नंबर बात करते हैं TVS स्टार सिटी प्लस BS6 की। तो इसमें भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं। इसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन ब्लैक रेड, रेड ब्लैक, ब्लैक ब्लू, ग्रे ब्लैक और व्हाइट ब्लैक मिल जाता है। इसके डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट में हेडलैम्प दिया गया है और इसके हेडलैम्प के साइड में आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिल जाती हैं। इसका टर्न इंडिकेटर लाइट भी थोड़ा सा स्टाइलिश दिया गया है। इसके अलावा इसके काउल पर TVS का स्टिकर लगा हुआ है। साइड व्यू की बात करें तो इसे साइड से देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट में जो फेंडर दिया गया है ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके टैंक डिजाइन को देख सकते हैं, यहाँ पे TVS लिखा हुआ है, ग्राफिक्स मिल जाती है, साइड पैनल पर भी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, स्टार सिटी प्लस का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। इसके अलावा जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे भी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसकी सीट है डुअल टोन में देखने को मिल जाती है, पीछे ग्रैबरेल भी दिया गया है, यहाँ पे क्रोम एग्जॉस्ट कवर मिल जाता है, इंजन ब्लैक कलर की मिल जाती है और ब्लैक कलर की अलॉय व्हील्स भी दी गई हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको डिजाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करें तो इसमें भी 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जिसका यह इंजन 7,350 RPM पर 6.03 किलोवाट का पावर जबकि 4,500 RPM पर 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
और इसमें भी 4 स्पीड तक गियरबॉक्स दिया गया है। किक और सेल्फ स्टार्टर दोनों यहाँ पे मिल जाती है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसमें मल्टीफंक्शन कंसोल दिया गया है जिसमें एनालॉग में स्पीड देखने को मिल जाती है। यहीं पर इको मोड और पावर मोड का इंडिकेटर दिया गया है। इसके अलावा इसके डिजिटल मीटर में फ्यूल और ऑडोमीटर की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर इंजन चेक लाइट दिया गया है। साइड पर हेडलैम्प, हाई बीम लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट, न्यूट्रल लाइट और सर्विस ड्यूरिंग इंडिकेटर जैसे आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लाइट्स भी मिल जाते हैं। इसमें प्रीमियम डुअल टोन सीट मिल जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। सेल्फ और किक स्टार्टर दोनों मिल जाता है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है और स्पोर्टी मफलर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इस बाइक में भी कुछ आपको बेसिक से ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। टायर और ब्रेक्स की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जिसके फ्रंट में 130mm का ड्रम ब्रेक और रियर में 110mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। डायमेंशंस की बात करें तो इसका लेंथ 1980mm, वी 750mm, हाइट 1080mm, व्हील बेस 1260mm, ग्राउंड क्लियरेंस 172mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर और इसका कर वेट 116kg है। तो माइलेज की बात करें तो ये भी आपको 70 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है, लेकिन वही थोड़ी सी आप ट्रैफिक में चलाते हैं तो हो सकता है आपको 60 kmpl से लेकर 65 kmpl तक माइलेज दे। टॉप स्पीड इसकी भी 90 kmpl तक है। बात करते हैं इसके प्राइस की तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस बीएसएस का एक्सोरम दिल्ली का प्राइस मोनोटोन कलर वेरिएंट का 63,995 रुपीज यानी कि 63,995 रुपए तक है। तो वही डुअल टोन कलर वेरिएंट का 64,495 रुपीज यानी कि 64,495 रुपए तक है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो इसका मोनोटोन कलर वेरिएंट 75,000 रुपीज तक यानी कि 75,000 रुपए तक मिल सकती है। तो इसका डुअल टोन कलर वेरिएंट 75,500 रुपीज यानी कि 75,500 रुपए तक मिल सकती है। तो इस वीडियो में अगले नंबर बात करते हैं टीवीएस रेडियन बीएसएक्स की। इस बाइक की बिक्री 2019 में सबसे ज्यादा हुई थी, यानी कि इस बाइक को 2019 में काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और इस बाइक को अभी भी पसंद किया जाता है। इसमें कई सारे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट में 2 कलर ऑप्शन क्रोम ब्लैक और क्रोम ब्राउन मिल जाता है। तो इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट में 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें पर्ल व्हाइट, मेटल ब्लैक, गोल्डन बेस, रॉयल पर्पल, वेल्केनो रेड और टाइटेनियम ग्रे शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने 2 नए कलर ऑप्शन और ऐड किए हैं जिसमें रेगल ब्लू और क्रोम पर्पल शामिल है। तो जो भी कलर आपको देखने में अच्छा लगे उसको आप परचेस कर सकते हैं। डिजाइन की बात करें तो इसमें आपको रेट्रो डिजाइन देखने को मिल जाती है जहाँ पे ज्यादातर पार्ट क्रोम में भी देखने को मिल जाता है। तो इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं तो इसको आप फ्रंट से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडलैम्प मिल जाता है छोटा सा जहाँ पे इसके हेडलैम्प के चारों तरफ क्रोम पार्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसके फ्रंट फेंडर को बॉडी कलर में दी गई है। यहाँ पे क्रोम रियर व्यू मिरर भी मिल जाता है। साइड व्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको टैंक डिजाइन काफी अच्छी मिल जाती है जहाँ पे टैंक पैड भी लगा हुआ है। इसके इंजन को गोल्डन कलर में रखा गया है। इसका एग्जॉस्ट क्रोम पार्ट में दिया गया है। इसके अलावा इसमें प्रीमियम सीट मिल जाती है। साइड पैनल पे आपको रेडियन लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे हल्की सी ग्राफिक्स की गई है। इसके अलावा इसके पीछे वाले हिस्से पर भी स्टिकर लगा हुआ है। पीछे कैरियर के साथ ग्रेबरेल दिया गया है और सीट के साइड में भी आपको एक हुक मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का डिजाइनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर के अलावा मिल जाते हैं। इसमें भी 109.7cc का 4-स्टॉक ड्यूरा लाइफ BS6 कंप्लायंट इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है जिसका यह इंजन 7,350 rpm पर 6.03 kW का पावर जबकि 4,500 rpm पर 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसमें भी 4 स्पीड तक गियरबॉक्स दिया गया है और की को सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें जिसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड शॉक ऑब्जर्वर और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर मिल जाता है। तो कंफर्टेबल के मामले में ये भी बाइक सही है। टायर और ब्रेक की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में 18 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है जिसके फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके रियर में 110mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें भी सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। क्रोम बेस हाइड्रोजन हेडलैम्प मिल जाता है और LED डायल्स भी दी गई है। लॉन्ग सीट मिल जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें एनालॉग मीटर दिया गया है जिसमें आपको कार के स्टाइल का यहाँ पे शेप देखने को मिल जाता है। काफी स्टाइलिश देखने में लगता है। यहाँ पे स्पीड, ऑडोमीटर और फ्यूल की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर लाइट्स भी दी गई हैं जैसे कि साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प हाई बीम इंडिकेटर। इसके अलावा इसके रियर में कैरियर के साथ ग्रेबरेल दिया गया, मैंने आपको पहले बताया। इस बाइक को भी आप किसी भी गियर में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें टैंक पैड भी लगा हुआ है और USB पोर्ट भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि एक्सेसरीज के तौर पे आप कुछ और भी ऐड करवा सकते हैं। माइलेज की बात करें तो इसमें भी आपको 65 से लेकर 70 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। तो इसकी टॉप स्पीड 95 kmpl तक है। इसकी टॉप स्पीड बाकी के 2 TVS बाइक से बढ़ जाती है।
डायमेंशंस की बात करें तो इसका लेंथ 2025 mm, विड्थ 75 mm, हाइट 1080 mm, व्हील बेस 1265 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm, सीट हाइट 780 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर और इसका कर वेट 116 kg है ड्रम ब्रेक वेरिएंट का और 118 kg है डिस्क ब्रेक वेरिएंट का। तो ये बात करते हैं इसके प्राइस की, तो टीवीएस रेडियन बीएसएस का एक्सोरूम दिल्ली का प्राइस इसके बेस एडिशन का 59,942 rupees यानी कि 59,942 rupees तक है। तो सेल्फ स्टार्ट ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 63,442 rupees यानी कि 63,442 rupees तक है। तो इसके सेल्फ स्टार्ट डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 66,442 rupees यानी कि 66,442 rupees तक है। अगर इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 73,000 rupees से लेकर 80,600 rupees तक यानी कि 73,000 rupees से लेकर 80,600 rupees तक मिल जाती है। तो ये फिलहाल तीन बाइक्स ऐसे हैं जो आपको टीवीएस में 110cc सेगमेंट में देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपको फीचर्स अलग अलग मिल जाते हैं, डिजाइनिंग अलग अलग मिल जाती है, इंजन लगभग सेम मिल जाते हैं लेकिन थोड़े से इंजन में भी बदलाव देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अलग अलग इनकी सीटिंग पोजिशन है जिसकी वजह से इसमें प्राइस भी अलग अलग देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपके बजट के अंदर आए या फिर जो भी आपको पसंद आए उसको आप परचेस कर सकते हैं। हालांकि अगर आप टीवीएस की कोई बाइक खरीदने जा रहे हैं तो आप चाहें तो हर एक बाइक का टेस्ट राइड लेकर एक बार अपना कंफर्टेबल भी चेक कर सकते हैं। तो इन बाइक्स में से आपको कौन सा पसंद आया या फिर आप कौन सा यूज करते हैं या फिर कौन सा आप खरीदने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।